हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हैदराबादी खिचड़ी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इस रेसिपी में एक ट्विस्ट है। मोस्ट रेसिपीज़ में वाइट राइस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ब्राउन राइस से ये खिचड़ी बना रहा हूँ। वाइट राइस के कंपैरिजन में ब्राउन राइस बहुत हेल्दी है, क्योंकि ब्राउन राइस ज़्यादा प्रोसेस्ड नहीं रहती, तो इसमें विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर दबा आके रहता। डायबिटीज़ वालों के लिए भी ब्राउन राइस बहुत अच्छी रहती। लेकिन आपको ब्राउन राइस पसंद नहीं है तो आप वाइट राइस से भी ये रेसिपी बना सकते। आपके रेफरेंस के लिए मैं ये वाली ब्राउन राइस यूज़ करा, देखिए। खिचड़ी बनाने ब्राउन राइस लिया मैं 200 ग्राम और मसूर की दाल लिया 100 ग्राम। दाल और राइस को अच्छा वॉश करके पानी में 30 मिनट भिगने छोड़ देंगे। 30 मिनट बाद ड्रेन करके एक बोल में ऐसा निकाल लेंगे। दाल और चावल के अलावा अपने को होना ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून, 3 हरी मिर्ची बीच में से कटी हुई, 1 मुट्ठी कोथमीर और आधी मुट्ठी पुदीना, दोनों को बारीक काट लेना, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज। फिर अपने को होना 1 टीस्पून हल्दी। हैदराबादी खिचड़ी में हल्दी ज़रा ज़्यादा डालते हैं, येलो कलर अच्छा आना बल्कि। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ। गर्म मसालों में होना 1 तेज़पत्ता, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 3 लौंग, 4 से 6 काली मिर्ची, 1 बाड़िया का फूल और 1 टीस्पून जीरा। अब एक कुकिंग पॉट चूल्हे पे रख के हीट को लो कर देंगे। पॉट गर्म हो गया तो कुकिंग ऑयल डाल के उसको भी गर्म होने छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो गया तो गर्म मसाले डाल के 30 सेकेंड्स के लिए उसको फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर करिए कि गर्म मसाले जले नहीं। के बाद बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को ब्राउन हुए तक पका लेंगे। अगर आप प्याज जला दिए तो घर वाले बहुत जूते मारते हैं, इसलिए ज़रा देखते रहना प्याज को। फिर अपन इसमें हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको भी फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल गए जब तक इसको फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट लगते हैं। उसके बाद दाल और चावल का मिक्सचर ऐड कर देंगे। अब इसको अपन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे खिचड़ी में अच्छा फ्लेवर आता और राइस एकदम खिले खिले बनते। दो मिनट अच्छा भून लेने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं 400 ml लिया, क्योंकि ब्राउन राइस में पानी थोड़ा ज़्यादा लगता। फिर अपन इसमें हरा मसाला ऐड करके अच्छा मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद इसमें नमक ऐड कर लेंगे और नमक के साथ भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद 1 मिनट इसको और पका लेंगे। 1 मिनट बाद लिड लगा के इसको पकने छोड़ देंगे। पानी सूखने तक इसको अपने को लो हीट पे पका लेना है। बीच बीच में चेक करते रहिए, नहीं तो पूरी खिचड़ी सतरोल हो जाती। ये देखिए, पानी पूरा सूख गया। इसको अच्छा एक 30 सेकेंड्स के लिए फिर से भून लेंगे। अब चूल्हा बंद करके इसमें होना तो थोड़ी कोथमीर और एक आध हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। इसको अपन 5 मिनट बगैर लिड के ऐसे छोड़ देंगे। देख रहे क्या जबरदस्त खिचड़ी बनी। इसको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी खा सकते हैं।
आपका नहीं मालूम, मेकू तो देख के फुल भूख लग रही। एक फ्राइंग पैन चूल्हे पे रख के हीट को मीडियम कर लेंगे। फिर उसमें 4 टेबलस्पून तिल ऐड कर देंगे। तिल को थोड़ा ब्राउन होए जब तक भून लेना है अपने को। तिल ब्राउन होने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे। ये देखिए ऐसा ब्राउन हो जाना तिल अपना, इससे ज़्यादा नहीं करना। फिर 4 टेबलस्पून खोपरा लेके इसको भी अच्छा भून लेंगे ब्राउन हुए जब तक। और फिर ब्राउन होने के बाद इसको भी साइड में निकाल के रख लेंगे। खोपरे के साथ ज़रा केयरफुल रहना पड़ता, बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता, तो मेक श्योर करिए कि बर्न नहीं हो। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर का जार लेके उसमें तिल और खोपरे को अच्छा पीस लेंगे रफली। ये देखिए ऐसा रफ पाउडरी दिखना पीस लिए बाद। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्ची, 1 टेबलस्पून कोथमीर, 4 से 5 पत्ते पुदीने के, 4 कलियां लहसुन के और 1/2 टीस्पून नमक। इसको भी बगैर पानी के पीस लेंगे पाउडर हुए जब तक। ये देखिए ऐसे रफली ग्राइंड करना है अपने को। अब अपन इसमें भिगी हुई इमली डालेंगे। मैं 2 इंच का पीस लिया और 50 ml पानी में उसको भिगा के रखा था। सीड्स निकाल के पूरा इसमें ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। अब लीड लगा के इसको पेस्ट बने जितना ग्राइंड कर लेना अपने को। हो गई अपनी चटनी तैयार। इसमें अपन बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और मज़ा आता। मैं थोड़ी थिक पसंद करता हूँ ये चटनी। अगर आपको होना तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा पानी डाल के इसको थोड़ा वेट बना सकते हैं। खिचड़ी के साथ तो ज़बरदस्त लगती है चटनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, और आगे भी अच्छे वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब करिए, और ये बाजू का घंटा दिख रहा ना उसको दबा दिए ना, तो जब भी मैं नई वीडियो डाला आपको नोटिफिकेशन आ जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।